हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम आए धर्मपुरी में और यहाँ पर है केदारनाथ मंदिर, जिसका रियल नाम केदारनाथ लिंग है बट केदारनाथ मंदिर भी कहा जाता है। बेसिकली ये शिव का मंदिर है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर आई। मुझे बहुत लोगों ने बताया था कि यहाँ पर मंदिर बहुत खूबसूरत है ये, और एग्जैक्टली केदारनाथ की तरह नहीं है बट इसका नाम केदारनाथ लिंग है, दैट्स वाई। सो चलिए फिर इस केदारनाथ लिंग के मंदिर में आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि एग्जैक्टली मंदिर कैसा है और मैंने क्या सुनकर और क्या देखकर यहाँ पर आई थी वो प्रूफ होता है या नहीं। तो चलिए फिर। तो पूरा केदारेश्वर मंदिर हम आप भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी नक्शेदार काम किए हुए इन लोगों ने, और पूरा जो एक स्टैचू है, पूरा जो एक खम्बा है, वो पूरा एक ही पत्थर से बना हुआ है। और कुछ यहाँ पर सीमेंट या फिर मिट्टी आपको बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली, क्योंकि पूरा स्टोन का मंदिर है पूरा के पूरा। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेमस है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के केदारेश्वर मंदिर के समान है। तो ये मम्मी ने बहुत बड़ा रिसर्च किया हुआ है। हाँ। हमने देखा है वो मंदिर, वही तो बोला मैंने। हाँ, तो वो उसके जैसा है, मैंने नहीं देखा बट यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। अगर आप कभी धर्मपुरी पे आ रहे हो तो डेफिनेटली एक बार इस मंदिर को जरूर देख लेना। आप देख सकते हैं ये पूरा एक ही पत्थर है जो पूरा खंबा तैयार करता है।
तो ये जो मंदिर है इस पे जो मूर्तियां है वो कुछ ना कुछ बताती है। तो ये नरसिंह जी का जो था नखों से चीरना एक राक्षस को, वो है। और यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता और उनको ले जा रहे हनुमान जी उठा के, ऐसा दिखाया गया है। तो हर एक मूर्ति अपने अपना वजूद बताती है। आप जब स्टार्ट करती हो मंदिर को देखना तो आपको हर जगह पे ऐसी शिल्पकारी देखने को मिलेगी। और ये वाला है जो हत्ती है, ये पूरे नीचे जो एरिया है वहाँ पर है और हर तरफ सेम है। और हम अभी पीछे के साइड पे है। तो इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पर चारों बाजू से आप अंदर आ सकते हो और बाहर जा सकते हो। तो मेरे पीछे देख सकते हैं वो एक डोर है और इधर एक है और मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वो एक है। अभी यहाँ पर बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है, मतलब डल हो रहा है सन, ऐसे मैं यहाँ पर आकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप कभी भी आओ कौन से भी टाइम पे, बहुत खूबसूरत है। और शहर के थोड़ा सा आउटसाइड है, दैट्स वाई यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते और बहुत शांति रहती है। और पूरे खेत आपको दिखेगा, सब कुछ ग्रीन है। बट जहाँ पर ये मंदिर है वहाँ पर ऐसा ग्रीन कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ द बाउंड्री आपको सब कुछ दिखेगा। लुक, वो जो पीछे बना हुआ है उसके बाहर ही खेती वगैरह लोग करते हैं। पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, और ये तीन रास्ते हैं। सॉरी, मैंने पहले बताया था कि चार है, बट थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मुझे, क्योंकि हर तरफ से सिमिलर ही दिख रहा है पूरा मंदिर और बहुत खूबसूरत है। ये जो पत्थर है वो पूरे के पूरे एक पत्थर से वो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया हुआ है। और लुक, बहुत खूबसूरत मंदिर है। आप कभी भी धर्मपुरी में आओ तो डेफिनेटली इस मंदिर को देखना, मेरा आपसे दिल से गुजारिश है। तो अभी हमने जहाँ से शुरुआत की थी तो वहाँ से हमने पूरा पूरा एक चक्कर लगा दिया है मंदिर को। और एक जैसा ही पूरा मंदिर है, तो आप ज़रूर आना है यहाँ पर। और अभी हम थोड़ी देर और यहाँ पर बैठेंगे तो फॉर अस थोड़ी शांति भगवान के साथ, और इसके बाद हम यहाँ से चलने वाले हैं अभी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप धर्मापुरी में पहले भी आ चुके हैं बट यहाँ पर नहीं, या फिर आप यहाँ के आसपास की किसी शहर में रह रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आना और देखना धर्मापुरी का ये मंदिर केदारनाथ का, बहुत खूबसूरत है। सॉरी फॉर शेकिंग, क्योंकि मैंने
लेफ्ट हैंड में कैमरा धरा था, दैट्स व्हाई। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जस्ट एंजॉय दिस वीडियो, और मेरे दूसरे वीडियो भी जरूर देखना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय।